दोस्तों, आज मैं चैनल पे पहली बार एक फ़ोन का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ जो आपको देख के मज़ा आने वाला है। पहला ही मेरा ये वीडियो है अनबॉक्सिंग वाला, तो दोस्तों जल्दी से हम अपना अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। जो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं उसका फ़ोन का नाम है Redmi 9 Power जो 15,000 के नीचे आता है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, 4GB 64GB और 6GB 128GB। ये मेरे पास जो आया है वो है 6GB 128GB। आज इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको पूरा डिटेल बताएंगे, आपको इसको लेना चाहिए या फिर दूसरे फ़ोन की तरफ जाना चाहिए, इस वीडियो के दरमियान आप पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, पहली बार अगर इस चैनल पर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करें। तो हम बिना किसी टाइम गवाए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं Redmi 9 Power का अनबॉक्सिंग। इसमें कितना दम है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बॉक्स कंटेंट में क्या क्या आता है उसकी एक झलक दिखा देता हूँ। 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा आता है इसमें, देखेंगे आगे कौन सा आता है। 6000 mAh की बैटरी आती है जो टाइप सी के साथ 18 वाट का फास्ट चार्जिंग आता है। इसमें 6.53 इंच की फुल HD डिस्प्ले IPS LCD आती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसमें मेन हाईलाइट है स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर जो अच्छा है, और दूसरे सब हाईलाइट यहाँ पे लिखे होंगे। इसमें माइटी ब्लैक कलर आता है। मेरे पास जो वेरिएंट है वो 6GB 128GB है, मेड इन इंडिया आता है और बॉक्स ऐसा लगता है। और हम देखेंगे अब बॉक्स के अंदर क्या आता है। तो सबसे पहले हम इसको अनबॉक्सिंग कर देंगे। दोस्तों, ये जो फीलिंग है ना वो बहुत अच्छी लगती है। ये आता है हमारा मेन यूनिट, इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद क्या आता है हम देखेंगे जरा। ओके, उसके बाद ओके, तो हमारे पास इमेज एडिटर टूल आता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आता है जो आजकल कोई पढ़ता नहीं है, साइड में रख देते हैं। यहाँ पे केस आता है जो डिसेंट क्वालिटी की है, TPU केस आता है जो डिसेंट क्वालिटी के आते हैं, और इसको भी साइड में रख देते हैं। इसमें 18 वाट का फास्ट चार्जिंग आता है, इसको साइड में रख देते हैं। और उसमें क्या बताया, अच्छा टाइप सी केबल आता है, उसको भी साइड में रख देते हैं। तो ये रहा हमारा बॉक्स कंटेंट। ये सब चीज़ साइड में रख के हम फोकस करते हैं अपने मेन डिवाइस पे। तो ओके यहाँ पे मेरे पास जो है वो ब्लैक कलर है। तो दोस्तों, इसमें हम अपना कवर लगा के देखते हैं कैसा लगता है। स्नगली फिट होता है और अच्छा क्वालिटी का है। फ़ोन को ऑन करेंगे, तब तक अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए। यहाँ पे हम आ जाते हैं पोर्ट्स और बटन की तरफ। यहाँ पे माइक्रोफोन आता है और टाइप सी पोर्ट आता है, और यहाँ पे 3 स्पीकर ग्रिल आता है। और ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो 2 स्पीकर ग्रिल आते हैं, इसलिए इसमें स्टीरियो स्पीकर आता है। यहाँ पे एक डॉट है जो आप देख पा रहे होंगे, उसे कहते हैं आयर ब्लास्टर। और यहाँ पे 3.5 mm जैक है, और यहाँ पे सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन। आगे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे क्वाड कैमरा आता है। ये 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर आता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आता है, और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर आता है जो अच्छी तरीके से काम करता है। यहाँ पे रेडमी की ब्रांडिंग आती है। तो दोस्तों, साइड में हम देखेंगे यहाँ पे सिम स्लॉट आता है और दूसरा कुछ नहीं आता है। इस तरफ हम देखेंगे तो पावर लॉक अनलॉक बटन आता है, उसके साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आता है, और यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर अप और डाउन आता है। और इस तरफ यहाँ पे हम देख लेते हैं के सिम इजेक्टर टूल डाल के कि हमको हाइब्रिड मिलता है या डेडिकेटेड SD कार्ड। यहाँ पे दोस्तों 2 सिम और डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है आसानी से। तो दोस्तों, बाहर की तरफ हमने देख लिया, तो अंदर की तरफ देखेंगे। इसमें MIUI 12 आता है जो अच्छी तरीके से काम करता है। इसमें कभी कभी ऐड भी आ जाते हैं।
स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर आता है जो अच्छा काम करता है। यहाँ पे 6000 एमएच की बैटरी आती है जिसमें 18 वॉट का फास्ट चार्जर आता है। स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर के साथ जीपीयू एंड्रेनोट 610 जीपीयू भी आता है, जो आप गेम खेलते हो तब आपको ये काम आने वाला है। यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल आता है, इसका वेट अंदाजन 198 ग्राम होगा। तो दोस्तों इसमें सभी सेंसर आते हैं, इंक्लूडेड आईआर ब्लास्टर भी आता है। तो एक अच्छा फ़ोन है जो आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे एमआई यूआई 12.0.8 आता है। तो दोस्तों ये दो वेरिएंट में आता है, 4GB 64GB और 6GB 128GB। और दोस्तों इसमें चार कलर आते हैं, ब्लैक हमारे पास है, ग्रीन, रेड और ब्लू, ऐसे चार कलर आते हैं। तो दोस्तों अब बारी है मेरी ओपिनियन की, इसको मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ क्योंकि ये एक अच्छा प्रोसेसर है और प्राइस रेंज भी अच्छी है जो आपको वैल्यू फॉर मनी देता है। तो ये फोन एक अच्छा फोन है जो 15000 के नीचे आता है। आप इसका बेस वेरिएंट 4GB 64GB देखोगे तो 13000 के करीब आता है। तो दोस्तों इसमें मैंने पूरा डिटेल रिव्यू आपको बताया है, आशा करता हूँ आपको इससे समझ आ जाएगा आपको फ़ोन लेना चाहिए या दूसरे फ़ोन की तरफ जाना चाहिए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।